दिल्ली शराब घोटाले में सशर्त जमानत पर रिहा हुए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने आज बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर दावा किया गया है कि संजय सिंह आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा करेंगे। संजय सिंह दो दिन पहले जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं और रिहा होने के बाद वो लगातार बीजेपी और मोदी पर हमलावर हैं। संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इससे पहले आतिश सिंह भी दो बार बड़ा खुलासा करने का दावा करके आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका जता चुकी हैं। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज खुलासे का दावा। जेल से रिहा होने के बाद लगातार पीएम मोदी पर हमला कर रहे संजय सिंह आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि आज संजय सिंह बड़ा खुलासा करेंगे। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्टर जारी किया गया है जिसमें संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी गई है। संजय सिंह बुधवार को जेल से रिहा हुए थे, गुरुवार को पहले राजघाट जाकर कीर्तन किया, उसके बाद हनुमान मंदिर जाकर माथा टेका, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के परिजनों से मुलाकात की। अब आज संजय सिंह खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। जेल का जवाब वोट से, ये हमारा नारा है। और शराब घोटाला किसने किया, अब तो देश के सामने आ गया, बीजेपी ने शराब घोटाला किया है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने के बाद ली गई है, तो सच पूरे देश के सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, ये 100% निर्दोष हैं। क्या गुनाह है इनका, क्या गलती है इनकी, कौन सा प्रमाण इनके खिलाफ है, क्या सबूत इनके खिलाफ है, आपने जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। संजय जी, बीजेपी कह रही है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, सुनीता केजरीवाल को लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी आगे कर रही है। बीजेपी इस देश की संविधान निर्माता नहीं है ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना संविधान निर्माता, भाजपा ही थोड़ी है। तो कहीं लिखा हो इस देश के संविधान और कानून में कि आप झूठे आरोप लगा के किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दीजिए और उसके बाद उसका इस्तीफा ले लीजिए, तो हमें दिखाइए। संजय सिंह के खुलासे से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सुर्खियों में आ गई हैं। गुरुवार को केजरीवाल की चिट्ठी पढ़ते वक्त सुनीता केजरीवाल के बैकग्राउंड में थोड़ा बदलाव दिखा। सुनीता उसी फ्रेम में बैठकर बयान देती हैं जहां अरविंद केजरीवाल बैठते हैं। पीछे फ्रेम में शहीद भगत सिंह और बाबा अंबेडकर की तस्वीर होती थी, लेकिन गुरुवार को शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के बीच में केजरीवाल की फोटो भी लगी हुई थी। तस्वीरों में उन्हें सलाखों के पीछे कैद दिखाया गया था। बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। महान भावों के साथ फोटो है। अरे देखिए, बीजेपी की क्या आप बात करते हैं, बंगारू जनता पार्टी है बीजेपी, बीजेपी क्या बात करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता के रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए, रिश्वत खाते हुए पूरे दुनिया और देश के सामने कैमरे पर पकड़े गए, उनको सजा हो चुकी है, तो बीजेपी क्या कहती है। उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैंने तो कहा भाजपाइयों का अगर कोई नारा या कोई बात भ्रष्टाचार के खिलाफ आती है तो उसको बहुत सावधानी से सुनिएगा। जिसके खिलाफ कहते थे चक्की पिसिंग, उसको कहने लगे चक्की मिक्सिंग, मिक्सिंग मिक्सिंग करने लगे, तो इनसे जरा, ये जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, तो इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। महाभ्रष्ट पार्टी है बीजेपी और जितने भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान के हैं सब आज बीजेपी में। संजय सिंह शराब घोटाले में अपने केस को लेकर कुछ नहीं बोल सकते, उन्हें इसी शर्त पर जमानत मिली है, लेकिन उन्होंने जेल से बाहर आकर कहा कि वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के केस पर बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आज सबकी नजरें इस पर हैं कि संजय सिंह क्या बड़ा खुलासा करते हैं।